मैं हर टाइम मुझे कोई छाया आती थी और वो मुझे बहुत तंग करती थी। मेरे अंदर कोई और चीज़ बोलती थी, अंदर से कोई प्रेत बोलता था। उससे मेरे बच्चे सब मुझसे डरने लग गए थे। पूरा गांव मुझसे डरता था, अभी कभी कुछ भी बोल देगी या हमें मार देगी, पत्थर मारेगी, मतलब पागल जैसी स्थिति हो गई थी। बहुत पैसा इन देवी देवताओं, इन पंडितों ने हमारे को बहुत ज़्यादा दुखी कर दिया था। एक पंडित को लाते थे, वो कहते थे इसके अंदर जो भूत है उसको बलि देनी पड़ेगी, उसको बकरे का खून दो। फिर हम हिमाचल में ही उत्तराखंड तक जाते थे, मेरे गोद में छोटा सा बच्चा होता था उसको लेके, एक साल का बच्चा था उसको लेके इतनी दूर जाते थे। मैं गाड़ी में बैठ तक नहीं सकती थी, सो के ही ले जाते थे मुझे, और साथ में गाड़ी में खड्डू बकरा उसकी बलि देने के लिए ले जाती थी। मेरी आत्मा अंदर से रोती थी कि मुझे अपने ठीक होने के लिए दूसरे की जान देनी पड़ रही है। इतनी ज्यादा दुखी थी, भगवान से प्रार्थना करती थी। मैं बचपन से इतनी भक्ति करती हूँ, बहुत ज्यादा भक्ति करती हूँ, पूरी रात जागरण सुनती थी, तलाश करती थी उस परमेश्वर की, लेकिन ऐसा लगता था वो तलाश पूरी नहीं थी। मैं इतनी दुखी हो सकती हूँ, जो भक्ति नहीं कर रहे उनका क्या होगा, ये सोचती थी मैं अपने मन में, बहुत ज्यादा दुखी थी। मैंने 2014 को जनवरी को संत रामपाल जी महाराज से उपदेश प्राप्त किया। जिस दिन मैंने उपदेश लिया, आश्रम में गई, उस दिन से आज तक मुझे एक बार भी वो भूत प्रेत की बाधा नहीं हुई। मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गई, मैं हर चीज, मेरा आना जाना बिल्कुल बंद हो गया था। कहीं भी जैसे बोलते हिमाचल में देवी देवता भी छोत लगती है, कुछ भी, वो सब कुछ ठीक हो गया। आज मैं कहीं मृत्यु होती है वहाँ भी जाती हूँ, मतलब कि किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है जो मुझे था। कि जो मेरी तरह दुखी हैं, कोई भूत प्रेत की बाधा से ग्रसित है, कोई किसी बीमारी से, आज मैं जहाँ भी अपने समाज में जाती हूँ, कहीं रिश्तेदारी में, किसी को कुछ दुख है, किसी को कुछ दुख है, बहुत ज़्यादा दुखी है। और इन पंडितों के चक्कर में मत पड़ना आप कभी भी, कभी ये बलि दिलवाएंगे, कभी शराब, कभी बहुत ज़्यादा पैसा हमारा भी वेस्ट हुआ। आप अपना पैसा भी बचाओ और सतगुरु संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लो, और उपदेश किसी के कहने से मत लेना। सतगुरु संत रामपाल जी महाराज के विविध चैनलों पर सत्संग आते हैं, आप सत्संग सुनो, उनकी किताबें फ्री दी जाती है, जगह जगह उनकी पुस्तक सेवा होती है, उनकी छपी हुई किताबें लाएं घर में और उनको पढ़ें जरूर, ऐसे ही मत रख देना। सतगुरु रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण परमेश्वर है। मेरा नाम सुनैना ठाकुर है, मैं हिमाचल प्रदेश सोलन जिला से हूँ। मैं जो भी है हमारे साधना है ब्रह्मा विष्णु की भक्ति, व्रत लेना और दुर्गा माता की बहुत भक्ति करती थी बचपन से ही, जागरण सुनना, हर चीज़, मतलब एक परमात्मा की तलाश थी, आत्मा में भी भगवान एक है, पर उसका पता नहीं चल रहा था। बहन जी, यदि बात करें हिमाचल की, तो हिमाचल को देवों की भूमि कहा जाता है और यहाँ पर बहुत सारे गुरु हैं, बहुत सारे भगवान हैं। इसके बावजूद भी आप सोलन हिमाचल से इतना दूर हरियाणा में जाकर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, इसके पीछे क्या कारण है? सबसे पहले तो जो हम भक्ति कर रहे थे वो शास्त्र विरुद्ध साधना थी, ये पता मुझे सतगुरु जी के, रामपाल जी के सत्संग से चला कि हम शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे थे। और उस शास्त्र विरुद्ध साधना से मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी, मुझे भूत प्रेत की वादा से 5-6 साल पहले उपदेश लेने से बहुत ज़्यादा ग्रसित थी। जिस दिन मैंने उपदेश लिया, आश्रम में गई, उस दिन से आज तक मुझे एक बार भी वो भूत प्रेत की बाधा नहीं हुई, मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गई। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, आज आपके जीवन में क्या स्थिति है? आज हमारी स्थिति बहुत ही अच्छी है, मेरी सास भी बहुत ठीक हो चुके हैं। मेरी सास काफ़ी सालों से, मेरी शादी से पहले से ही बीमार थे, कभी उनका नाक की हड्डी बढ़ जाती थी उसी प्रेतवादा से, मतलब कि वो प्रेतवादा पहले से ही घर में थी, उनको भी बहुत तंग करती थी वो प्रेतवादा। मेरी सास को खून की उल्टियाँ हुई नाम उपदेश लेने से पहले, फिर उन्होंने संजीवनी अस्पताल सोलन में उनका इलाज करवाया, उन्होंने कहा कि इन्हें कैंसर हो सकता है और इनकी बीमारी ठीक होने लायक नहीं है। फिर जब उन्होंने सतगुरु रामपाल जी महाराज से उपदेश प्राप्त किया तो उसके बाद वो धीरे धीरे बिल्कुल ठीक होने लगी और आज ठीक हैं। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते ही आपको जो कष्ट थे, आपको जो ऐसा है बीमारी थी, आपको जो भूत प्रेत की बाधा थी, उनसे आशीर्वाद लेते ही आपके जो सारे कष्ट थे वो दूर हो गए। आपकी ये सारी बातें अचंभित करने वाली है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज के ऊपर बहुत सारे आरोप लगे हैं और आज वो जेल में हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जी हाँ, सतगुरु संत रामपाल जी महाराज आज जेल में हैं, हम जानते हैं, लेकिन वो शास्त्र के अनुसार भक्ति बताते हैं, गीता जी के अनुसार भक्ति बताते हैं और सही भक्ति बताते हैं। उनकी भक्ति से ही
हमारे ये कष्ट भूत प्रेत वादा ठीक हुई। हम हर रोज परमात्मा का दिया हुआ नाम सुमरिन करते हैं, उनकी यथार्थ भक्ति करते हैं, अपनी गीता जी के अनुसार भक्ति करते हैं। बहन जी, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सभी भगत समाज को यही संदेश देना चाहती हूँ कि जो मेरी तरह दुखी हैं, कोई भूत प्रेत की वादा से ग्रसित है, कोई किसी बीमारी से, बहुत ज्यादा पैसा हमारा भी वेस्ट हुआ, आप अपना पैसा भी बचाओ और सतगुरु संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लो।